एंड सिग्निफिकेंस क्या है बजाय इस इक्वेशन का, इट लीड्स टू कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि हमने इसमें कॉन्सेप्ट यूज किया आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। करंट फ्लो तब कर रहा है जब चार्ज सरफेस को लीव कर रहा है, ठीक है। सो इट लीड्स टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और एम्पियर्स लॉ क्या था बजाय हमारे पास, एम्पियर्स लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? सर डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। एम्पियर्स लॉ था डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, और इससे हमने इक्वेशन क्या निकाली थी, डेल डॉट जे क्या निकाला था हमने, डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू जीरो। सो एक तरफ आप बोल रहे हो जीरो, दूसरी तरफ बोल रहे हो माइनस कर ली रो बाय कर ली टी, ये क्या कॉन्सेप्ट है? सो दिस इज द प्रॉब्लम विद एम्पियर्स लॉ। क्लियर है जी? ठीक है जी सर। हाँ जी भैया। सर जब हम ये गॉस लॉ या स्टोक्स लॉ लगाते हैं, जब हम किसी के साथ मतलब डॉट प्रोडक्ट कहते हैं डीवी या डीएस, तो सर हम दोनों जगह उसे कट क्यों कर देते हैं? सर एक बार सर इससे पहले जो आपने लिखा था सर वो दिखाना सर। बच्चे इससे पहले वाली स्लाइड सेव नहीं हो पाई है, वो सिस्टम रीबूट हो गया। तो आप बोलो, मैं इक्वेशन वो लिख देता हूँ। कौन सी इक्वेशन बता रहे थे सर? मैंने लास्ट लिखी है क्लोज इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डीएस इज इक्वल टू डी बाई डी टी इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम रो डीवी, ये वाली इक्वेशन लिखी है सर मैंने लास्ट। उसके बाद सर एकदम से बंद हो गया। तो इसके बाद हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाई थी डेल डॉट जे डी डी वी, सो माइनस वी करली रो बाय करली टी, ये डी था मुझे डी वी। सो हमने इंटीग्रेंट्स कंपेयर किए थे डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस करली रो बाय करली टी। अच्छा, करली रो बाय करली टी यहाँ इस इक्वेशन से तो ये लग रहा है कि करली रो बाय करली टी जीरो है। ये जीरो कब होगा? When करली रो बाय करली टी बिकम जीरो? जब डेंसिटी टाइम के साथ वैरी ना कर रही हो। Yes, when charge density is same. Charge density है क्या? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो जितना चार्ज आ रहा है लीव कर रहा है सरफेस को, उतना ही एंटर कर रहा है, तो आपका चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? करंट स्टेडी हो जाएगा, जितना इन हो रहा है उतना ही आउट हो रहा है। सो करंट इज कांस्टेंट। सो इसका क्या मतलब है? हाँ जी सर, जो इसमें ये कर्ली डॉट जे वेक्टर इनटू डीवी है और वहां पे डी रो बाय डीटी डीवी है, तो सर हम वहां पे डीपी डीवी डीवी कट कैसे कर रहे हैं दोनों साइड? कट कहां कर रहे हैं बच्चे? ये दोनों तरफ इंटीग्रल वॉल्यूम के हैं। हम तो सिर्फ इंटीग्रेंट को कंपेयर कर रहे हैं कि अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर वॉल्यूम इंटीग्रल सेम है तो इट मींस उनके इंटीग्रेंट भी सेम होंगे। इंटीग्रेंट इसको बोलते हैं जिसके जिसको इंटीग्रेट कर रहे हो, जिसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट कर रहे हो वो डीवी है। ये दोनों में सेम है। सो आपके इंटीग्रेंट जिनका इंटीग्रल वॉल्यूम सेम है तो इंटीग्रेंट भी सेम होने चाहिए। तो डेल डॉट जे इज माइनस कर ली रो बाय कर ली। सर ये कोई थ्योरम है? थ्योरम नहीं है बच्चे, अंडरस्टूड है ये। तो अगर आप दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लोगे तो इंटीग्रल तो कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट। थ्योरम नहीं है ये, बेसिक है बच्चे। अगर आप बोलो कि किसी फंक्शन एफ वन का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ टू फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है, तो ये क्या क्या प्रूव करेगा? इंटीग्रल तो दोनों तरफ सेम है, इंटीग्रेंट जिसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो वो भी वेरिएबल सेम है, तो इट मीन्स आपका जो फंक्शन है वो बराबर होगा, तभी इंटीग्रेशन सेम आएगा। सर एक जगह इंटीग्रेशन ऑफ x dx है और इस साइड में इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx है, तो सर x इक्वल टू x स्क्वायर थोड़ी हो जाएगी। मैंने कब कहा अभी? ये यहाँ पे देखो, ये आपका जिसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन कर रहे हो वो तो सेम है ना, dv उस पर्टिकुलर वॉल्यूम इंटीग्रल कर रहे हो और वॉल्यूम इंटीग्रल ही कर रहे हो, तो अंदर वाले फंक्शन, अगर ये फंक्शन आपने बोला f1 अगर x हो और f2 अगर x स्क्वायर हो, यही बोल रहे हो ना आप, तो क्या ये इंटीग्रल सेम आएंगे? दे विल नेवर बी सेम। उस केस में आपका f नॉट f1 इज नॉट इक्वल टू f2। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों सेम हैं,
तो F1 should be equal to F2, नहीं तो ये सेम नहीं होंगे, ठीक है जी। सो बच्चा ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये वाली और एम्पियर्स लॉ से जो हमने डेल डॉट जे निकाला उससे हमें पता लग रहा है कि कर्ली रो बाय कर्ली टी ये जीरो है, दोनों को अगर कंपेयर करें। ये कब होगा? व्हेन देयर इज स्टेडी करंट। सो अगर आपका करंट टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो इट मींस आपका एम्पियर्स लॉ वैलिड नहीं है, क्योंकि आपने एम्पियर्स लॉ से ही डेल डॉट जे इज इक्वल टू जीरो निकाला। और इन अदर वर्ड्स, एम्पियर्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर स्टेडी स्टेट करंट, ठीक है। इफ योर करंट इज चेंजिंग विद टाइम, एम्पियर्स लॉ इज नॉट वैलिड। तो आपको कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन एम्पियर्स लॉ में करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू मेक इट एप्लीकेबल फॉर टाइम वेरिंग करंट एज वेल, ठीक है जी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चे कि एम्पियर्स लॉ में प्रॉब्लम क्या है? सर मतलब वहां पे जो ये माइनस डी ओ बाई डी टी आ रहा है इक्वल के बाद वो डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से। So, आपके एक्चुअल रिजल्ट है डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस कर ली रो बाय कर ली डी, क्योंकि आपने सिंपल करंट वाली इक्वेशन से निकाला, आपने कुछ और फिजिक्स तो नहीं लगाई ना, करंट लिखा माइनस डी क्यू बाय डी टी और करंट की जगह चार्ज करंट डेंसिटी लिख दिया और चार्ज को रो डी वी में लिख दिया और तो कुछ नहीं किया। ये एप्लीकेबल है हर एक सिचुएशन पे। अगर आपका करंट जो है टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा तो ये जीरो बन जाएगा, ठीक है। अगर टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो ये नॉन जीरो वैल्यू। सो ये मोर जनरलाइज्ड रिजल्ट है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एज कंपेयर टू एम्पियर्स लॉ। सो एम्पियर्स लॉ इज ए पर्टिकुलर केस, इसको आपको जनरलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। वो देखते हैं, क्लियर हो गया बच्चे? तो इसका मतलब है यहां जो है डेल डॉट जे इज इक्वल टू जीरो, यहां पे कुछ एडिशनल टर्म होनी चाहिए, दस एन एडिशनल टर्म से जे डी करंट डेंसिटी फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट इज नीडेड टू बी एड टू एम्पियर्स लॉ। सो आपका एम्पियर्स लॉ में प्रॉब्लम थी वो डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे था। अब अगर इसको नॉन जीरो बनाना है तो आपको कुछ एडिशनल यहां पे एडिशन करनी पड़ेगी ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जे डी। अब दोनों तरफ डाइवर्जेंस लेंगे इस इक्वेशन पे तो क्या होगा बच्चे? दोनों तरफ डेल डॉट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा? डेल डॉट डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट जे डी। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? अगेन जीरो, जीरो सर, जीरो सर। यहां से आपको क्या प्रूव होगा? डेल डॉट जे डी इज इक्वल टू डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस, माइनस आना है, इज इक्वल टू माइनस सिंपली कर्ली रो बाय कर्ली टी। क्लियर हुआ बच्चे? तो ये रिलेशन आ गया। सो प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन, माय नेटवर्क वेंट। सो सिंस एम्पियर्स लॉ हैज प्रॉब्लम विद time varying current, steady state yes, के लिए valid है. So we have to add or we have to make certain correction to this term in Ampere's law. तो मैंने उसमें current density के साथ current density due to displacement current वो भी add कर दिया, JD, ठीक है? Now if I take divergence both sides, my left hand side will become zero, del dot of del cross B ये zero हो जाएगा. और यहाँ पे मैंने bracket open कर दी, mu naught del dot J plus del dot JD आ गया, ठीक है। तो ये इक्वल टू जीरो है, जीरो के बराबर है। तो यहाँ से मेरे को अपनी शॉल पे मिल गई, मजा आ गया। सो डेल डॉट जी जे डी इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट जे, ये आ गया यहाँ से इस इक्वेशन से। और मुझे मालूम है डेल डॉट जे की वैल्यू क्या है, माइनस कर ली रो बाय कर ली टी, ये मैंने वैल्यू यहाँ पुट की। तो सिंपली मेरे पास डेल डॉट जे डी इज इक्वल टू कर ली रो बाय कर ली टी, ये इक्वेशन आ गई, ठीक है जी। सो अगर मैं जे डी करंट डेंसिटी ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट ऐड करता हूं तो मेरे पास एम्पियर्स लॉ जो है वो टाइम वेरिंग करंट के लिए भी स्क्रॉल करना सर, स्क्रीन कट रही है। मैं दोबारा लिख देता हूं बच्चे। नहीं सर, नीचे का सर बच्चे, वो स्क्रोल नहीं होता ना, स्क्रीन आपको इतनी विजिबल होगी फिर। सो म्यू नॉट जे प्लस जे डी additional due to displacement current,
taking divergence both sides. ठीक है, so implies del dot del cross B is equal to mu naught times del dot J plus del dot JD. This is equal to zero, so implies del dot JD is equal to del dot minus with negative sign J. So it is curly rho by curly T. So simply del dot JD is equal to curly rho by curly T. This is for displacement current. Till next class ka time. Okay, sir. Thank you. Okay, bache. So see you in next class. Excuse me, sir. Ajay, bache.